नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभिया राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी यूजी यानी स्नातक के, पीजी यानी परा स्नातक के जितने भी विद्यार्थी हैं दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है छात्रों के कि समर्थ पोर्टल पर अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो क्या यहाँ पर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम होगा? क्योंकि इस समर्थ पोर्टल पर अभी तक जो जानकारी आप तक पहुंची है वो यही बताया गया है। हमारे चैनल के द्वारा भी आप सभी को बताया गया है कि समर्थ पोर्टल पर आप सभी को रजिस्टर करना अनिवार्य है, क्योंकि उसी पर आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक आप तक यही जानकारी पहुंची है, अन्य चैनलों के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंची होगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी छात्र कन्फ्यूज हैं। क्या ABC ID नहीं बनी और समर्थ पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो क्या हम परीक्षा से वंचित हो जाएंगे? यह बड़ा सवाल है छात्रों का। तो इस वीडियो में आप सभी को इसी टॉपिक पर सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि अब आप ई समर्थ पोर्टल के बारे में अब भूल जाइए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर सूचना दिया है सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को, बोला है कि ई समर्थ पोर्टल पर अभी बहुत सारे विद्यार्थी अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं और सत्र भी निकला जा रहा है। परीक्षा अत्यंत आवश्यक है, इसलिए उन्होंने बोला है कि उन्होंने कॉलेजों के ऊपर, विश्वविद्यालयों के ऊपर छोड़ दिया है कि अपना परीक्षा जल्द करा ले। और इस वजह से दोस्तों, आपको साफ शब्दों में बता दें तो अभी आप ई समर्थ के चक्कर में ना पड़िए, यानी कि ई समर्थ को भूल जाइए अभी के लिए। आप केवल अभी अपना, अपने कॉलेज से संपर्क करके परीक्षा फॉर्म भराइए। अभी ना तो आप ABC ID के चक्कर में पड़िए, ना किसी भी चक्कर में पड़िए, केवल अपना जो है, अपना कॉलेज से संपर्क करके अपना परीक्षा फॉर्म जल्द से जल्द भरा ले, नहीं तो आपकी परीक्षा छूट जाएगी। आप ई समर्थ पोर्टल पर बेकार में जो परिश्रम कर रहे हैं वो आपका सफलता नहीं मिलेगा उसमें। आपका जो है, साफ शब्दों में गवर्नमेंट ने बोल दिया है, लखनऊ से जो खबर आई है वो उन्होंने बोला है कि कॉलेज से ही परीक्षा फॉर्म इस बार भरा लिया जाए। अभी छात्रों का जो है, इस समर पोर्टल पर सुविधा ये नहीं मिलेगी। तो इसलिए जितने भी BA BSc BCom और MA MSc MCom के जितने भी विद्यार्थी हैं, वह अन्य जितने भी UG PG स्नातक परा स्नातक के विद्यार्थी हैं, अपना भी परीक्षा फॉर्म भरे, नहीं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करा के अपना जो है परीक्षा फॉर्म भरा ले, नहीं तो आप परीक्षा में नहीं बैठने पाएंगे, एडमिट कार्ड नहीं जारी हो पाएगा और परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, ये रही इम्पोर्टेंट जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, समझ में आई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।